केस में उठा कर ले जा रहे हैं। पूछताछ में लड़की का मैटर था और वो तो दूर के रिश्ते में क्या उठाने का मतलब था। आज दोपहर उठाया था लेन से, चालीस हजार रुपए लिए 40,000 पुलिस वालों ने, चार पुलिस वालों ने टॉर्चर करके मारा उनको, मुंह पे कपड़ा बांध के पानी में डुबो डुबो के। जब ये तो नीले होना है उन्हें लेकर जिसने मारा मैं भी मारूंगी उसे। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाकर निरंतर नारेबाजी हो रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने जाके टॉर्चर करके जाके व्यक्ति की मार मार करके हत्या कर दिया, उसी को लेकर के जाके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं पुलिस प्रशासन के परिजनों की मांग है, जो पुलिस वाले ने घृणा काम किया है वो गिरफ्तार होना चाहिए और उसके पर जो है कि आपराधिक धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए, एफआईआर उस पर लॉज होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैं आपको बता दो सिटी एसएचओ यहां पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति को जैसे मानने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। पुलिस ने बड़े भाई को मांग रहे थे, कह रहे थे उसे लेके आ उसको मारेंगे, उसे नहीं लेके गए, 10,000 रुपए मांगा, कहा कि छोड़ देंगे पुलिस वाले। पुलिस वालों ने कहा छोड़ देंगे, घालू को बुलाया, बहुत ज्यादा टॉर्चर करा, दो घंटे रखा उन्हें, 2 घंटे 10,000 रुपए मांगे उन्हें और बहुत मांगा, 50 के 50 पुलिस वालों ने मांगे, कहा उसे कुछ काम नहीं करने का, 50,000 मांगे उन्होंने, बाद में जान से मार दिया हमने वो बोले। इस समय की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में जाके पुलिस प्रशासन के ऊपर कड़े आरोप लगे हैं कि पुलिस प्रशासन की कस्टडी में जाके व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर के आज परिजन मौके पर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और यहां पर जाके पुलिस प्रशासन के खिलाफ जगह मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक बार। बिल्कुल पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है कि जिसकी मौत हुई है उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। कार्रवाई की सर हमें आपके सर पूरा विश्वास है, हमें कार्रवाई चाहिए सर, हमें गिरफ्तारी चाहिए सर। एक मिनट बात सुनो, साहब आए बात सुनो, साहब की बात सुनो, इरफान भाई साहब,
हमारी मांग ये हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर मांग ये है, जिसने भी एक मिनट जिसने भी एक अरे लूटो सर जिसने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ FIR हो तुरंत प्रभाव से और वो गिरफ्तार हो। दोनों काम चल रहे हैं होने हो जाएंगे। बस सर हमें तो FIR की कॉपी चाहिए और गिरफ्तारी चाहिए सर। जो भी है वकील साहब जो भी बयान देना चाहते हैं बयान दें जी सर, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। किसी का जो गिरफ्तारी है उनकी गिरफ्तारी भी होगी, ठीक है FIR भी होगी, ठीक है सर। जिसका जो भी कसूर है आज की डेट में ही FIR से हम लेंगे नहीं सर, बिल्कुल होगा। उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ठीक है सर। आप पहले स्टेटमेंट पहले अब एक आदमी बयान लिखवाएगा जो उसके साथ था, उस बयान पे पर्चा दर्ज होगा और सारी बात अपनी लिखवाओ वो जो थे बस अपनी बात लिखो, शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, अपनी लिखत में दो समझिए अपनी बात लिख दो बस। इकबाल भाई सर जो भी हुआ है जुलम हुआ, ठीक है दुख हुआ बड़ा दुख। दूसरी बात ये कि एक्ट में कोई ऐसा है भी नहीं कि भाई किसी को भी उठा के मान लो जो मुलजिम होगा होगा लेकिन किसी को भी उठा के और इस तरह ठीक करे कोई बात नहीं। हाँ हाँ इसका यही है शोर शराब बनी की एप्लीकेशन दो इंसाफ बस 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 इंसाफ मिलेगा इंसाफ मिल आप एप्लीकेशन लिख दो ना जितना जल्दी मारे को करो एप्लीकेशन दो तो मेरा दोस्त होगा यार मेरे साथ एक जन आओ अंदर आराम से बैठ के ना कोई सियासी मामला नहीं है नहीं सियासी कुछ नहीं है जरूरत भी नहीं है सामाजिक सियासी कोई नहीं कर रहा सियासत कौन कर रहा सुनो मेरी बात सुनो। हरियाणा सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि उनके करने वाला कोई नहीं है, उनके किसी परिवार के सदस्य को DC रेट पर नौकरी चाहिए और उसको मुआवजा चाहिए सरकार की तरफ से और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है अपना? मेरा एडवोकेट इरफान अली पानीपत। क्या ऐसा है FIR दर्ज करी गई है लिखी गई है और DSP साहब को दी गई तो उसमें जो है ना उन्होंने आश्वासन दिया है वैसे कि भाई पूरी कार्रवाई होगी। जो धर्मवीर ऐसा ही है उसने जो है ना बहुत बड़ा कृत्य करा है और उसके सहयोगी जो 4-5 और हैं जो मौके पर जो है ना गवाह मौजूद था उसको टॉर्चर करा गया है उनके जो है ना मतलब उसकी जो उन्हें लिफाई है उन चारों पांचों को जाना मतलब सजा मिलनी चाहिए और जाना उनको जाना न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। पानीपत के किला थाना क्षेत्र में पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है जिसको लेकर परिजन सिविल हॉस्पिटल में हंगामा करते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। इस समय की बड़ी खबर लेकर के आपके बीच लाइव जुड़ गया हूँ। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर जो है कि परिजनों के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के दौरान जो है व्यक्ति की थाना किला के अंदर ही मौत हो गई जिसको लेकर प्रशासन परिजन अपना रोष प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया उनके ऊपर जाकर मुकदमा दर्ज हो। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।